भारत के चिकन नेक पर क्यों है चीन की नजर? क्या है इस इलाके की अहमियत? क्यों महत्वपूर्ण है सिलीगुड़ी कॉरिडोर? नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। चीन की एक खासियत है, वो अपने इलाके को और ज़्यादा संगठित करने के लिए यानी कि अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन की को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार रहता है। ऐसे में वहाँ की सरकार ये जानती है कि उन्हें युद्ध गति से पूरे इलाके में सड़क भी बनानी है, गाँव भी बसाने हैं और अपने मिलिट्री को ऐसे फॉर्मेशन में रखना है जिसे कभी भी भारत पर दबाव बनाया जा सके। भारत भी इसे बखूबी जानता है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने महाशक्ति बनने के लिए एशिया में पैर फैलाने शुरू कर दिए। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी भारत के पड़ोसी देशों में अपनी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाकर घेरेबंदी करने की कोशिश शुरू की है चीन ने। बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान, चीन ने बंदरगाह, सड़क और रेल मार्ग बनाने शुरू किए, जिसका सीधा सा मतलब है एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करके भारत पर चौतरफा दबाव बनाना। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत हमेशा अपने पड़ोसी देशों की भूमि पर अवैध कब्जे की फिराक में रहता है। चीन ताइवान पर जबरन कब्जे की फिराक में रहता है, नेपाल से दोस्ती की आड़ में उसके एक इलाके पर जमाया कब्जा, हांगकांग की आज़ादी का अतिक्रमण, दक्षिण चीन सागर में वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस, मलेशिया से टकराव, सेनाकुकाकू द्वीप को लेकर जापान से लड़ा, मंगोलिया में कोयला भंडार पर चीन की नज़र, यह सबूत है कि चीन कितना शातिर पड़ोसी और धोखेबाज देश। भारत के एक खास इलाके पर भी चीन अपनी नज़रें गड़ाए बैठा है। ऐसे में आज के विश्लेषण में जानेंगे कि आखिर क्या है चिकन नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्यों रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही चिकन नेक का विकल्प कालाधन प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको बताएंगे। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य जिसमें 4 जिले हैं, लेकिन इन 4 जिलों की खासियत है कि यह पूरा राज्य ही लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड का मतलब है यहाँ आने के लिए आपको भारत से एक ही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। वो रास्ता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ये इलाका भारत के रणनीतिक रूप से काफ़ी संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। ये गलियारा 60 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तर पूर्व को शेष भारत से जोड़ता भी है, लेकिन चारों ओर ये 5 देशों से घिरा हुआ है। एक ओर भूटान, एक ओर नेपाल, एक ओर चीन और एक ओर बांग्लादेश और 5वां खुद भारत। इन 5 देशों से मिली हुई सीमाओं के बीच सिक्किम में आने का केवल एक ही रास्ता है, वो है दक्षिण के जरिए। बाकी चारों ओर सिक्किम में विभिन्न देश हैं। इसके साथ ही ये ध्यान रखना जरूरी है कि सिक्किम में आने जाने के लिए गतिविधियों पर रोक तो है ही, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही अधिक है। सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख है। यहाँ मात्र 100 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में रहते हैं, जो कि भारत में सबसे कम में गिना जाता है। सेना की मुस्तैदी कई गुना ज़्यादा है। एक और नेपाल और भूटान जैसे मित्र देश हैं, वहीं बांग्लादेश सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है चीन और वो अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता। यही वो उत्तर सिक्किम का इलाका है जहाँ पिछले कुछ दिन पहले चीन के द्वारा गांव बसाने की खबरें सामने आई थी। सुरक्षा के लिहाज से कॉरिडोर का रोल है। पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें 8 राज्य सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय आते हैं। इनमें से सिक्किम को हटा दें तो 7 राज्य बचते हैं, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ऐसे में चिकन नेक कटने से पूर्वोत्तर जाने का कोई रास्ता ही नहीं रह जाएगा। चीन की नज़र इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है, जिसकी वजह से इसकी तरफ से डोकलाम पर कब्जा करने की कोशिश की गई। डोकलाम भूटान का है, लेकिन इसकी ऊंचाई ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसकी वजह से ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर आराम से नज़र रखी जा सकती है। डोकलाम से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। ऐसे में अगर डोकलाम पर कब्जा हो गया तो वहाँ से सिलीगुड़ी पर आराम से नज़र रखी जा सकती है। इसलिए डोकलाम विवाद में भारत भूटान की ओर से चीन से लड़ गया था। तिब्बत से इसकी निकटता भारत के लिए एक लाभ के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यह चीन पर कड़ी नज़र रखता है, जिसने इस क्षेत्र में कई सड़कों और हवाई पट्टियों का निर्माण किया है। युद्ध की स्थिति में निभा सकता है अहम भूमिका। युद्ध की स्थिति में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से आसानी से हथियार और सैनिकों को लामबंद किया जा सकता है। बीजिंग अपनी बेल्ट एंड रोड योजना के लिए अपने वैश्विक व्यापार पहुंच में सुधार के बहाने भारत के पड़ोसी देशों में भारी निवेश कर रहा है, लेकिन ये देश चीनी कर्ज के जाल में फंस गए हैं। ज़्यादातर पश्चिमी देश चीन की आलोचना इस बात को लेकर करते हैं कि यह गरीब विकासशील देशों पर ऋण थोपता है, जिनके वापस भुगतान करने की कोई उम्मीद ही नहीं, और इसका राजनीतिक प्रभाव का लाभ उठाने के लिए उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देने में कर रहा मदद। चिकन नेक कॉरिडोर से तिब्बत की चुंबी घाटी महज 130 किलोमीटर दूर है। भारत, नेपाल और भूटान का ट्रांजेक्शन इस घाटी के सिर पर पाया जाता है। इसे डोकलाम क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।
जो एक गतिरोध बिंदु बन गया है। हिमालय पर्वत जैसे कंचनजंगा पर्वत दो प्रमुख नदियों का स्रोत है जिन्हें तिस्ता और जलदाखा के नाम से जाना जाता है, जो बांग्लादेश में प्रवेश करते समय ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन हो जाती है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 50 मिलियन लोगों की आबादी है और ज्यादातर नेपाली और बंगाली अप्रवासी पाए जाते हैं। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यह गलियारा उत्तर पूर्वी राज्य और शेष भारत के व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह उनके बीच एकमात्र रेलवे फ्रंट लाइन भी होस्ट करता है। दार्जिलिंग की चाय और इमारती लकड़ी इस क्षेत्र के महत्व को और बढ़ा देते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सड़क मार्ग और रेलवे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। उन्हें सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति इसी कॉरिडोर के माध्यम से ही की जाती है। यह भारत और उसके पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान देशों के बीच संपर्क को सुगम बनाकर भारत को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। यह गलियारा पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध अप्रवास, सीमा पार आतंकवाद और इस्लामिक कट्टरपंथ का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। क्या है कालाधन प्रोजेक्ट? भारत ने 90 के दशक में लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई, यानी पूर्वी एशिया के देशों के साथ संबंध मजबूत बनाने शुरू किए, जिसे 2014 में मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंधों पर ज्यादा जोर देना शुरू किया। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक पहुंच बनाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 2008 में कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की गई। इसके तहत भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता बनाना था। इस प्रोजेक्ट के 4 चरण थे। पहला, इसमें कोलकाता को 539 किलोमीटर दूर म्यांमार के सेटवे बंदरगाह को समुद्र के रास्ते जोड़ा जाना था। दूसरा, सेटवे बंदरगाह से कालाधन नदी के रास्ते 158 किलोमीटर दूर म्यांमार के पलेटवा तक पहुँचना था। तीसरा, पलेटवा से 109 किलोमीटर दूर सड़क के रास्ते भारत के मिजोरम के जोरनपुरी में तक पहुँचना था। चौथा, जोरनपुरी से ये सड़क 100 किलोमीटर दूर मिजोरम के लांगचलाई तक पहुंचेगी, जहां से आइजोल होते हुए असम चली जाएगी। 2008 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी और उस वक्त इसकी लागत 535.91 करोड़ रुपए आने का अनुमान था। 2015 में ये लागत बढ़कर 2904 करोड़ रुपए हो गई। इसका पूरा खर्च भारत उठा रहा है। चिकन नेक का विकल्प कालाधन प्रोजेक्ट, ये वो मार्ग है जो म्यांमार को कोलकाता से जोड़ेगा और फिर रास्ता मिजोरम से होते हुए असम तक पहुंचेगा। भारत के दूसरे राज्यों को पूर्वोत्तर से जोड़ने का एकमात्र रास्ता चिकन नेक से होकर जाता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि चिकन नेक किसी कारण से कट जाता है तो भारत का पूरे पूर्वोत्तर से संबंध ही कट जाएगा। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का इलाका चुंबी वैली का है। जब डोकलाम का विवाद चल रहा था तब इसी चुंबी वैली से चीन के हमले का खतरा बढ़ रहा था। इस बात का डर था कि चीन कहीं चुंबी वैली से हमला करके चिकन नेक का रास्ता ही न काट दे। लेकिन अब पूर्वोत्तर तक पहुँचने का दूसरा रास्ता भारत द्वारा तैयार किया जा रहा है। भारत को इस प्रोजेक्ट के दो फायदे हैं, चीन की चुनौतियों का सामना करना, अपने व्यापार को साउथ ईस्ट एशिया तक फैलाना, 2021 के आखिर तक पूरा करने की डेडलाइन। प्रोजेक्ट में लगातार देरी भी हो रही है, इसकी डेडलाइन कई बार बढ़ी, फिर 2021 के आखिर तक पूरा करने की डेडलाइन तय की गई, लेकिन अभी भी काफ़ी काम बाकी है और माना जा रहा है कि वह 2031 तक पूरा हो पाएगा। यह भारत को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने का छोटा रास्ता तो होगा ही, जिससे व्यापार के नए मौके मिलेंगे। इसके अलावा यह सामरिक रूप से भी काफ़ी अहम है। इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल 33 पुल हैं, जिसमें 8 भारत में बन रहे हैं। सभी पुल इस तरह से बन रहे हैं जिसमें सेना के टैंक, पख्तरबंद गाड़ियां जैसे भारी सैन्य साज सामान भी आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। तो आज हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर और इसके सामरिक अहमियत का पूरा विश्लेषण किया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।